नीतीश तिवारी की लेटेस्ट मूवी बवाल स्टारिंग वरुण धवन एंड जानवी कपूर रिसेंटली 4-5 दिन पहले ही अमेजोन प्राइम वीडियो पे ड्रॉप हुई है। तो क्या आपको अपना टाइम लगा कि इस मूवी को देखना चाहिए? अब अगर तुम इस मूवी को देखने से पहले ही इसको एक नेपोटिज्म प्रोडक्ट की तरह जज कर रहे हो और सोच रहे हो कि ये वही टिपिकल बॉलीवुड मूवी होगी जो कि तुम्हें सस्ता टिकाऊ कॉमेडी और एक ठीक ठाक सा ड्रामा दिखा के तुम्हारा टाइम वेस्ट कर देगी 2 घंटे का, तो तुम गलत हो बॉस, क्योंकि मूवी वाकई में अच्छी है। मूवी के स्टोरी में दम है एंड इस मूवी के डायरेक्टर नीतीश तिवारी हमेशा से कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करने के लिए जाने जाते हैं। वो अपनी मूवीज में इमोशन को बहुत अच्छे तरीके से दिखाते हैं और वो इमोशंस आप स्क्रीन से खुद के अंदर भी फील कर सकते हो और मूवी के एंड होते होते आप भी कैरेक्टर से रिलेट करने लगते हो और उनके लिए बुरा लगने लगता है, उनके लिए खुश होने लगते हो। एंड इनकी प्रीवियस जो मूवी थी छिछोरे वो भी कुछ ऐसी ही मूवी थी एंड वैसा ही कुछ इस मूवी के अंदर भी हो रहा है। एंड इस मूवी की स्टोरी का ठीक ठाक सा आइडिया तुम्हें ट्रेलर और टीजर देख के ऑलरेडी लग जाएगा, जहां तुम्हें पता है कि भाई जो वरुण धवन का कैरेक्टर है वो बहुत ही एक सेल्फ ऑब्सेस्ड कैरेक्टर है जो कि सोसाइटी के अंदर अपनी फेक इमेज बनाता है ताकि लोगों को लगे कि वो काफी अच्छा आदमी है, हाई लेवल का आदमी है, लेकिन एक्चुअली में उसकी लाइफ बिल्कुल उसके अपोजिट होती है। एंड जब उसकी शादी होती है जानवी कपूर के कैरेक्टर के साथ, तो जानवी कपूर को वरुण धवन की रियल पर्सनालिटी दिखती है, जिसके बाद इन दोनों के बीच में अनबन हो जाती है। काफी टाइम तक इन लोगों के बीच में कुछ खास चलता नहीं है एंड फिर यहीं पे स्टोरी के अंदर वरुण धवन के कैरेक्टर के साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से उसकी इमेज खराब होने लगती है। मूवी अपने स्टार्टिंग के 20-30 मिनट सेटअप करने में लगाती है, जहां पे शायद तुम थोड़ा बहुत बोर हो सकते हो। एंड एक बार जब मूवी पेस पकड़ लेती है, जब अपने अज्जू भाई यानी कि वरुण धवन के कैरेक्टर के लाइफ में प्रॉब्लम आने लगती है जिसके बाद वो यूरोप ट्रिप प्लान करता है, उसके बाद से स्टोरी काफी एंगेजिंग हो जाती है। एंड इसी यूरोप ट्रिप के दौरान अपने जो दो मेन कैरेक्टर्स हैं जानवी कपूर एंड वरुण धवन, इन दोनों को बहुत ज्यादा रिलेट किया जाता है वर्ल्ड वॉर 2 के इवेंट से। एक्चुअली में यही वो रीजन होता है जिसकी वजह से अपने वरुण धवन का कैरेक्टर चेंज होता है। तो एक्चुअली में मूवी के अंदर पोटेंशियल तो है, एक बार तुम स्टोरी के साथ हुक हो जाते हो तो इंटरेस्ट बनने लगता है कि आगे और क्या हुआ होगा। एंड हाँ, मैंने ये मूवी अपने फैमिली के साथ देखी है, तो तुम भी ये मूवी अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो, कुछ उल्टा सीधा नहीं है इस मूवी के अंदर। इसके अलावा मूवी के अंदर वरुण धवन की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, जो इमोशंस फील करवाने थे वो इमोशंस आपको दिख जाते हैं उनके फेस के अंदर। इसके अलावा जानवी कपूर ने भी अपना रोल बहुत अच्छे से प्ले किया है। डायलॉग डिलीवरी कहीं ना कहीं तुम्हें ऑफ लग सकती है मूवी के अंदर। एंड इसके अलावा मूवी के सॉन्ग्स बहुत शानदार है, इवन बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत सूदिंग फील होते हैं एंड मूवी एंड होते होते तुम्हें सोचने पे मजबूर कर देती है। इसके अलावा मूवी तुमसे 2 सवाल पूछती है। पहला ये कि अगर तुम्हें आधे घंटे का समय दिया जाए और एक सूट केस दिया जाए और बोला जाए कि अपने जिंदगी से तुम जो कुछ भी भर सकते हो सूट केस के अंदर भर लो, तो तुम उस सूट केस में क्या भरोगे? अपने पहनने के लिए कपड़े, खाने के लिए खाना, या फिर अपने माँ बाप की निशानियां, या फिर उनके तोहफे? और दूसरा सवाल ये कि अगर तुम्हें पता है कि आज तुम्हारे जीने का आखिरी दिन है और कल तुम इस दुनिया में नहीं रहोगे, तो तुम आज को कैसे जियोगे? इन्हीं सब के साथ मूवी एक खूबसूरत सी वाइब कैरी करती है और तुम्हें जीने का असली मतलब बताती है। वर्ल्ड वॉर 2 के इवेंट्स के साथ रिलेट करके वो बताती है कि उन लोगों ने जो कुछ सफर किया वो हमें नहीं करना पड़ रहा है, तो फिर हम लोग क्यों इतने दुखी हैं अपने जीवन में। खैर, नीतीश तिवारी की डायरेक्शन का यही मजा है कि वो तुम्हें मूवी के एंड होते होते बहुत कुछ सिखा जाती है। मेरे ओपिनियन में आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। एंटरटेनमेंट तो आपको मिलेगी ही इस मूवी के अंदर, लेकिन इसके अलावा मूवी तुम्हें जीवन जीने का असली मतलब बताती है। तो खैर, यही था आज का एक वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अगर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो। बाकी मेरा नाम है अभी, एंड यू आर वॉचिंग सिनेमा विद अभी।